फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मिल्क पाउडर से बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छी मिठाई। हाँ फ्रेंड्स, मिल्क पाउडर से आप बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छी मिठाई घर पे ही बना सकते हो। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने इसमें एक चम्मच घी डाल दिया है। ये मीडियम चम्मच है, ना ज़्यादा बड़ी और ना ज़्यादा छोटी। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसे अच्छे से मेल्ट कर लूँगी। और मिल्क पाउडर आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं, आप अमूल का भी ले सकते हैं या फिर वीटा का भी ले सकते हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। और फ्रेंड्स, अब आंगनवाड़ी से भी मिल्क पाउडर बच्चों को मिलता है, आप उसे भी ले सकते हैं, वो भी बड़ी आसानी से, उसकी भी मिठाइयाँ बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छी बनकर तैयार हो जाती। तो देखिये, आप देख रहे हैं जैसे कि हमारा घी मेल्ट हो रहा है धीरे धीरे। तो फ्रेंड्स, अब इसमें डालूंगी एक गिलास दूध। देखिये, आप देख सकते हैं मैंने एक गिलास दूध लिया हुआ है। ये आप फुल क्रीम ले सकते हैं, मैंने इसमें एक गिलास दूध डाल दिया है। फ्रेंड्स, अगर आप घर पे ही ये मिठाइयाँ बनाते हैं तो आपको ये पता रहता है कि आपने इसमें क्या डाला है और क्या नहीं, और घर पे बहुत ही अच्छी मिठाइयाँ बनकर तैयार हो जाती हैं। अगर आपके पास हो तो आप डाल दीजिएगा, पहले से ही मीठा है, हमें इसमें चीनी मिली हुई है। तो देखिए, मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, दूध और घी को, और जो मैंने इसमें इलायची पाउडर डाला है उसे भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब हमारा दूध बॉईल होने वाला है, तो इससे पहले ही मैं इसमें अपना ये मिल्क पाउडर डाल दूँगी। जैसे कि मैंने आपको बताया है, मिल्क पाउडर आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं, और इसे डालते जाएंगे थोड़ा थोड़ा करके और हिलाते जाएंगे ताकि इसमें लम्स ना हो। तो देखिए, मैंने इसमें एक कटोरी मिल्क पाउडर डाल दिया है, और वैसे इसे अगर तोल में नापे तो ये हाफ के जी मिल्क। तो देखिए, ये कटोरी और मिल्क पाउडर मैंने इसमें डाल दिया है, और अब मैं इसे अच्छे से हिलाती रहूँगी। इसे आपको तब तक हिलाना है जब तक ये मिठाई की कंडीशन में नहीं आ जाता। पहले इसकी कैसी कंडीशन थी और अब कैसे आप देख सकते हो। और आप इसे तब तक हिलाएंगे जब तक आपके मिल्क पाउडर की कंडीशन ऐसी नहीं हो जाती जैसे मिठाई बनकर तैयार होती है। और अब हम इसमें डालेंगे 1 स्पून घी। मैं इसमें 1 चम्मच घी और डाल देती हूँ ताकि इसमें काफ़ी अच्छी सी तरावट आ जाए और हमारी मिठाई चिकनी और बहुत ही स्वादिष्ट बने। ये आप डालना चाहो तो डाल लीजिएगा, वरना ये ऑप्शनल है। आप एक ही बार घी डालकर इसे बहुत ही अच्छा बना सकते हो। बस आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि आपको इसे हिलाने से बिल्कुल बंद नहीं होना है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने इसे 10 से 15 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख दिया था। अब हम इस पर लगाएंगे अपना सिल्वर फॉइल। तो अब हम इस पर लगाएंगे अपना शुद्ध चांदी का वर्क, जिससे कि हमारी मिठाई दिखने में भी अच्छी दिखेगी और खाने में भी काफी स्वादिष्ट और अच्छी लगेगी। तो देखिये फ्रेंड्स, मैं इस पर एक एक करके अपना चांदी का शुद्ध वर्क लगा दूंगी, जिससे कि हमारी मिठाई दिखने में भी अच्छी दिखेगी और खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छी लगेगी। आप इसके गार्निश के लिए कुछ भी लगा सकते हैं, इस पर ड्राई फ्रूट भी लगा सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अगर आपके पास घर पे हो तो आप इसे यूज़ कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने इस पे चारों तरफ चांदी का वर्क लगा दिया है। अब इसके आप कोई भी शेप बना। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस प्रकार का गोल कटर ले रखा, अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप इसे लीजिएगा, वरना आप किसी ग्लास की या फिर छोटे ग्लास ही हो उसकी उससे भी काट सकते हैं। तो देखिए, मैं इस प्रकार इसे धीरे धीरे इस पर कट करूंगी। आप धीरे धीरे इसे इसी प्रकार कट कर लीजिएगा। अब इसे मैं चाकू की सहायता से आपको निकाल के दिखाती हूँ, आप किसी भी ट्रे या प्लेट में इसे निकाल लीजिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, अब मैं इन्हें निकाल लूंगी धीरे धीरे करके। अभी मैं इसे 10 से 15 मिनट के लिए फिर से फ्रीज में रख देती हूँ, क्योंकि अभी ये थोड़ी नरम है इसलिए। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारे मिठाइयों को 10 से 15 मिनट हो चुके हैं फ्रीज में रखे। अब हम इन्हें एक एक करके निकाल लेंगे।
तो देखिए फ्रेंड्स, हम एक ही करके अपनी सभी मिठाइयों को एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए दिखने में जितनी अच्छी दिख रही है, तो खाने में भी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी बनी हुई है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यह बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छी हमारी मिठाई बनकर तैयार हुई है। यह जितनी दिखने में अच्छी दिख रही है, उतनी खाने में भी बहुत ही टेस्टी बनी हुई है। आप इन्हें एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, आपकी फैमिली के हर मेंबर को ये बहुत पसंद आएगी। तो मैं सभी को इसी प्रकार इसमें से निकाल लूंगी। सेब, जैसे कि मैंने आपको बताया था, सेब आप इसमें चकोटी भी दे सकते हैं, या फिर जिस प्रकार मैंने आप बनाई है उस प्रकार भी आप बना सकते हैं। तो देखिए मैंने एक एक करके सभी मिठाइयाँ अपनी निकाल ली हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने एक एक करके सभी मिठाइयाँ तैयार कर ली हैं। देखिए दिखने में कितनी अच्छी दिख रही हैं, और उतनी ही है खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छी बनी हुई है। तो फ्रेंड्स, आप मिल्क पाउडर के, आंगनवाड़ी के मिल्क पाउडर की ये मिठाइयाँ घर पर ही एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी मिठाइयाँ कितनी अच्छी और कितनी बढ़िया बनी हुई हैं, आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, इनमें से मैं आपको एक मिठाई तोड़ के दिखाती हूँ यह कितनी अच्छी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो का लिंक मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, अगली एक ऐसी रेसिपी के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।